थाना हिसार रोड कोरोना नियमों को उल्लंघन कर चल रही बस का वीडियो वायरल हुआ। बस में यात्री तय नियम के चलते नहीं कर रहे थे नियमों का पालन। रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि पब्लिक रोडवेज कर्मियों के साथ नहीं कर रही सहयोग। जी हाँ, जिला फतेहाबाद टोहाना के उपडिपो की एक बस जो टोहाना हिसार रूट पर चल रही थी, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी बस में सभी सीटें तो भरी नजर आ रही हैं, उसके बाद बीच के स्थान पर भी यात्री खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात कहें तो इस बस में सोशल डिस्टेंस की पालना बिल्कुल भी नहीं हो रही। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर टोहाना से नगर पार्षद राम कुमार सैनी ने पोस्ट किया। उनका कहना है कि उनके वार्ड के एक युवक ने उसे ये वीडियो उपलब्ध करवाई। वीडियो टोहाना से हिसार के बीच चल रही हरियाणा रोडवेज की बस का है। उनका कहना है कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि अधिकारी इसका संज्ञान ले वे इस महामारी से लड़ने में मदद मिले, कोरोना का फैलने से रोका जा सके। वहीं इस बारे में जब टोहाना कार्यालय में संपर्क किया गया तो वहां पर ड्यूटी पर तैनात रोहताश व मनदीप कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है। इसके बारे में उच्चतर अधिकारियों को सूचित कर स्थिति से अवगत करवाया गया है कि यात्री रोडवेज कर्मियों से सहयोग नहीं कर रहे, नौबत गाली गलौज तक पहुंच रही है। ऐसे में बस सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में नोट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। जैसे आदेश होगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। जी सर, ये मामला सुबह ही हमारे संज्ञान में आया, तो उसके बाद SS मोहदे द्वारा महाप्रबंधक मोहदे से भी बात की गई थी और हिसार के महाप्रबंधक मोहदे के को भी ये संज्ञान में ला दिया गया मामला। आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। चालक परिचालक को बुलाकर उनसे बात की गई थी, उन्होंने ये बताया है कि अगर यदि हम किसी सवारी को बोलते हैं कि 35 से ज़्यादा सवारी को नहीं बैठना तो वो हमारे साथ गाड़ी ग्लोस तक भी उतर जाते हैं, तो अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वो बोलेंगे इसका पूर्ण जिम्मेदार सर, इसलिए वो भी मजबूर हैं सर, क्या करें। ये इस बारे में अभी कुछ देर पहले ही नोटिंग बनाकर भेजी गई है महाप्रबंधक महोदय के समक्ष। आगामी जैसे ही वो निर्देश जारी करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आप किसी सुरक्षा की भी मांग करेंगे, जैसे आपने बताया यात्री जबरदस्ती करते हैं? तो सर देखो, सुरक्षा के लिए इसमें नोटिंग के अंदर लिख दिया जाएगा, अगर महाप्रबंधक महोदय कोई सुरक्षा प्रदान करते हैं तो सर वो आगामी चालक परिचालक को दे दी जाएगी। अपील? सर अपील तो ये है कि जैसे कई बार चालक परिचालक बताते हैं कि आप सरकार के निर्देशानुसार 35 से ज़्यादा सवारी ना बैठें, तो सर आपस में सवारियाँ भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करती हैं और परिचालक के साथ भी झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सुबह 7:30 बजे हिसार के लिए एक बस जाती है टोहाना से, 7:30 बजे जाती है। इसमें हमारे एक 3 वार्ड का लड़का था जो सफ़र कर रहा था, तो उसने ये वीडियो मेरे पास डाल ली थी, भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो हम जैसे शहर में कोरोना में काम कर ही रहे हैं जी, तो मैंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला ताकि प्रशासन सजग हो और आगे से इस प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये महामारी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। हमारे टोहाना में भी काफ़ी केसेस आ गए और इसी प्रकार अगर बस भर के जाती रही तो इस हिसाब से तो हरियाणा बहुत जल्दी कोरोना के संक्रमित हो जाएगा, पूरे हरियाणा को इस लपेट में ले लेंगे। जो बस में एक अगर पेशेंट है उसके अंदर संक्रमित केस है कोई भी कोरोना का, तो पूरी बस वालों को संक्रमित कर सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया जाए तो। तो मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और परिवहन विभाग के जो मंत्री हमारे उनसे भी अनुरोध है कि इस प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, कृपया इसका संज्ञान लें और आगे से जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करने का निर्देश जारी करें, वे आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना घट सके। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।